बाढ़ 35 क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और पार्षद के खिलाफ जताई नाराजगी। अलवर गेट क्षेत्र वार्ड 35 के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और वार्ड पार्षद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जिसके बाद से क्षेत्र में जो भी मजदूर लोग हैं, उनके पास खाने पीने का सामान ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा कि वार्ड पार्षद द्वारा खाना तो भिजवाया जाता है, पर वह खाना उन तक नहीं पहुँच पाता है। वही उनका कहना है कि आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि घरों में बच्चों के लिए दूध तक नहीं है। वह क्षेत्र में रह रहे मजदूरों ने प्रशासन और वार्ड पार्षद के खिलाफ नाराजगी जताई है और उनसे मांग की है कि उन तक ठीक तरह से, जिससे वे परेशान ना हो। कौन सा क्षेत्र है, किस तरीके की समस्या? ये अलवर गेट क्षेत्र का नौनकरण का आता है और ये वार्ड नंबर 35 में आता है। यहाँ की जनता अधिकतर फुटकर मजदूरी करती है और कई यहाँ की जो लेडीज़ हैं, श्रमिक हैं, विधवा महिलाएं, विकलांग महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, जो बीड़ी बना के अपना गुजर बसर करती है। और यही नहीं, अजमेर की करीब 20-25 फीसदी जनता है जिनके बीड़ी श्रमिक के कार्ड भी बने हुए हैं और आज दिवस तक इनके पास में जो सामग्री आती है वो आते आते रास्ते में ही खत्म हो जाती है और इन्हें पूरी तरीके से भोजन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक दिल्ली से आए हुए हैं जो क्वारंटीन रखी गई है, उनको भी करीब 40 सदस्य हैं, उनके लिए भी खाने की बड़ी समस्या परेशानी है। और हालात ये है यहाँ के कि जहाँ ये दो तीन वक्त चाय बना के पीते थे दूध की, आज इनके हालात ये है कि मैं खुद इनके घर में जाके देखता हूँ तो ये काली चाय पीते हैं, इनके बच्चे दूध के लिए बिलखते हैं। सरकार इनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर रही है, ना भामाशाह कर रहे हैं और श्रम विभाग द्वारा भी जो इनके खाते में पैसा डलवाया था, लेने जाते हैं तो आगे खाते में जीरो बैलेंस, पैसा ही नहीं है। और जो बीड़ी उद्योगपति हैं वो भी इनकी किसी प्रकार से मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि इन महिला श्रमिकों के बीड़ी के कार्ड बने हुए हैं, उन कार्ड पे इनको सरकार द्वारा, श्रम विभाग द्वारा जो सहायता मिलनी चाहिए वो पर्याप्त सहायता पूरी तरह से मिल नहीं रही है। और ये तबका जो अक्सर कच्ची बस्तियों में निवास करता है बहुत परेशान है। कभी शिकायत करी इसकी? कई बार शिकायत करी सर, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता साहब। वार्ड पार्षद श्रीमती वार्ड पार्षद है रेखा जी पिंगोलिया, जो खाना तो बेचती है, बाकी रास्ते में आते आते वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेश लोहार है और मैं इनके लिए, श्रमिकों के लिए करीब जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ही हमको हर चीज़ की मुसीबत हो रही है। कोई ना तो हमारे को सामान आ रहा ना कुछ आ रहा, हमारे बच्चे भी सिलाई का काम करता वो भी बैठा है, मैं बीड़ी बनाती वो भी बैठी हूँ, तो अब क्या खावे? अब छोटे छोटे बच्चे 3-4, अब उनको दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए और अब बैठे बैठे तो 3-4 दफ़ा बच्चे खाते, पहले तो फिर भी टाइम से खाते स्कूल जाते थे, अब टाइम से भी नहीं खा रहे, अब तो जब भूख लगे जब भी खावा को मांगे खास ला कर दे वहाँ और यहाँ से लिख के ले जाओ, सब मुँह देख देख कर तिलक करो, जिसका आ गया जिसका नहीं आया। कौन सा क्षेत्र है और आप लोग कौन क्या काम करते हैं? हम तो हमारा काम तो यही है, बीड़ी का काम, मजदूरी, हमारा बच्चा सिलाई का काम करता है, नौनकरण करता। हाँ, यहाँ का पार्षद वो है पिंगोड़िया। अच्छा, कभी शिकायत करी उससे? करी थी हमने, जो बोला खाना भेजती हूँ नहीं आया खाना, आता खाना और ना जो पता ही नहीं पड़ता है, जो 10-15 जाने का आता है, जो जाते जब तक खत्म हो जाता। आपका नाम बताएं? मेरा नाम सोमोती है।